तो गांव में मगर नहीं है बड़ा फुट? गांव में है, गांव हमारा जिसको गांव में टाउन में नहीं है। अच्छा, आपका कौन सा गांव था? बर्मा का मुंडू है। मुंडू? अच्छा, तो आप लोग कौन कौन लोग आए उधर से? मम्मी भी आया, पापा भी आया, हम लोग रिश्तेदार भी आया। कितने लोग होंगे सब मिला के आपके गांव से? आपके गांव से आप जब निकले थे वहां कितने लोग निकले? चार पांच फैमिली। चार पांच फैमिली। और कितना दिन लगा आपको आने में? कैसे आए? वहाँ पे हमारा देश, उधर देश बांग्लादेश, एक बड़ा नदी है समंदर, वो समंदर और बोट है ना, वो पार करके आया। अच्छा, तो वो बोट में कितना दिन लगा? दो दिन लगा। दो दिन लगा। कितने लोग थे? पूरा फुल था बोट? फुल था। कितना बड़ा बोट? बोट में एक हंड्रेड था। हंड्रेड आदमी? हंड्रेड आदमी था, बच्चों को लेके पूरा लेके हंड्रेड था। फिर उसमें बैठ के किधर आए? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आए। फिर उसके बाद? उसके बाद तो बांग्लादेश में रह गया, तो जिन लोग इंडिया में आ गए। कुछ लोग बांग्लादेश में रह गया। कितने लोग रह गया होगा उधर? आधा लोग नहीं मालूम। हम लोग रोज आता ना बांग्लादेश में, पूरा आदमी आ गया ना बर्मा से। बर्मा भी है, ज्यादा अभी भी आ गया वहाँ पे राशन देने भी जा रहा दूसरा देश से। आप लोगों को भी पैदल चलना पड़ा कुछ टाइम के लिए आते समय? आप यहाँ पे जो दूसरे कैंप थे वहाँ पे बात करते बच्चों से? हमारा दोस्त है तो दोस्त भी स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में? एक ही स्कूल में? एक ही स्कूल, पूरा बर्मा का वैसे एक ही स्कूल में जा रहा। तो कितना कैंप है ऐसा पता आपको? ये सात लंबा जुगड़ी है, उधर बारह लंबा जुगड़ी है, नौ लंबा जुगड़ी है, इधर आने का है। आप कैसे वो सोचे? कोई थे क्या यहाँ पे? हमारा काला है, मम्मी का बहन, उन लोग। अच्छा, वो लोग इधर रहते थे, काला रहते थे। वो लोग कब आए थे? वो लोग छः सात महीने हुआ है। अच्छा, उन लोग भी लारा में आ गए। आपको कितना महीना हुआ बोले? तीन महीने हुआ। तीन महीने। कैसा क्या क्या हो रहा था तब? उन लोग काट दे रहे थे, बाकी निकल रहे उन लोगों को, बाहर आदमी को जाने नहीं दे रहे, उन लोगों को काट दे रहे। ऐसे सुनाई दिया कि हो रहा था वहीं गांव में, देख के आए। आपके गांव में किलो 100 रुपया कहाँ है? बहुत आदमी मारा पहले से। पहले से हम आने के बाद भी मारा, पहले से भी मारा। हाँ, मिलिट्री वाले सेडी है ना, हम लोग तो मिलिट्री बोलते हैं, वो लोग सेडी को सेडी मारता हम लोग को, अभी भी सेडी मारा। वो हम लोग मिलिट्री बोलते हैं, वो लोग अब लोग तो सेडी बोलते। वहाँ वही कैंप बनाते थे कि उन लोग किसी और के घर के घुस के रहते थे। बड़ा कैंप रहता था, हर गांव में रहता था। मेरा घर है इधर। अभी यहाँ पे इंडिया में जैसे गांव है वहाँ पे यहाँ से। और पुलिस भी उन्हीं के साथ? पुलिस तो नहीं मान, मुस्लिम भी है पुलिस। पुलिस मुस्लिम भी है? पुलिस मॉक। तो आपके गांव के कितने आदमी खत्म हो गए ऐसे? बहुत आदमी खत्म हो गए। ये तो हमारा रिश्तेदार भी खत्म हो गए। कौन रिश्तेदार खत्म हो गया? मम्मी को बता था ना, मम्मी तो बता नहीं था। हमारा गांव से दूर रहते उन लोगों को खत्म हो गया। तो वो उन लोग को जो खत्म कर रहे थे फिर उनको क्या उधर ही फेंक के जा रहे थे कि लेके जा रहे? फेंके जाते थे। फिर जो उनका परिवार, उनका फैमिली रहता, फैमिली रहता, वो फिर उनको दफन करता था क्या? कैसा बाद में आके दफन कर देते?
पहले भाग जाते जंगल में भाग जाते आसपास छुप जाते मिलिट्री चल गए ना लोग आगे ढंग कर चल जाते जगह भी अलग है ना भाषा बर्मा भाषा तो अलग है क्या बोलते हैं वो भाषा को मौख है ना लोग हेगो वेगो ऐसे बोलता है उन लोग गाली भी देता है तमसा बोले बोलते गाली देते हैं उन लोग ऐसा अलग है उन लोगों का भाषा हम लोगों का भाषा अलग है आपका भाषा का नाम क्या बोलते हैं रोहिंग्या 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 भाषा हम लोगों का मगर जो मिलिट्री वाले हैं वो क्या भाषा बोलते हैं उन लोग भी रोहिंग्या भाषा भी बोलते हमारा भाषा है उन लोग को भाषा बोलते उन लोगों को भाषा है हम लोग भाषा अलग है तो जब उन लोग बात करते समझ में आता वो मिलिट्री वाले के बाद समझ में आता आप लोग हिंदी बात करते ना हम लोग को समझ में आता उन लोगों को बात समझ में आता और आपका बात उनको समझ में आता था क्या हम लोग उन लोगों को रोहिंग्या भाषा नहीं आता नहीं आता बड़ा बड़ा आदमी है ना उन लोगों को भाषा आता मगर आप बोले थे मतलब जो मतलब जैसे पुलिस में जो है पुलिस में तो अलग अलग लोग होते ना हर गाँव के होते रहिए सब उन लोगों को कौन सा भाषा आता दोनों भाषा आता ये तो नियम है हम लोग तो नियम है लोगों को मालूम होता वो आप लोग हम लोगों को भाषा थोड़ा थोड़ा समझ में आता ना हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है इंडिया तो वो जब आते आते थे आप लोग के गांव में ऐसा करने के लिए बहुत बार आए क्या बहुत बार आ रहे बहुत बार आके फिर वही करते थे मतलब लोगों को मारना ऐसा करके मान रहे घर जला दे रहे घर जल और ऐसा दो तीन बार आए इससे ज्यादा आए दो तीन दस बार आया दस दिन बाद आता हम लोग कितना कितना आते मतलब दस जन पचास दस बीस ऐसे जाता और एक गांव में जैसे आपके गांव में कितने घर होते कितना घर है यहाँ पे एक घर वहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दूर दूर होता था ना ये एक घर ना उसके बाद एक खाद बात के और एक घर और लाइन में ये ज़्यादा लाइन में ना वो भी लाइन गोल है पूरा हम लोग यहाँ पे बच्चे खेलते माठ है वहाँ हम लोग वहाँ पे खेलते और खेत कहाँ रहता थोड़ा सा और ये घर है ना घर के बाजू में खेत रहता जिसको जमीन है जिसको जमीन है उन लोग कैद करते हैं जिसको जमीन नहीं है उन लोग कैद नहीं करता तो वो लोग आपके खेत घर में घुस जाते थे मिलिट्री वाले नहीं दूर घुस जाते उन लोग तो खेत भी जला देते घर जला तो खेत भी जल जाता घर के अंदर ये घर है ये खेत है घर जल गए ना खेत भी जल जाता ना कितने घर जलाए होंगे आपके गांव में पूरा आप थे मैं तो वो अभी तो नहीं जलाया अभी जला दे अच्छा तब नहीं तब, क्या लगाए थे खेत में बायन और हुडू है ना हुडू बहुत साग सब्जी बहुत कुछ लगाया है वहाँ पे सब गया हाँ सब तुरा यहाँ पे लगाया तुरा यहाँ पे लगाया चावल भी कहते हैं बड़ा बड़ा आपका घर के कोई लोग अभी वहीं भी गांव में है कि सब लोग निकल गए आपके घर वाले है वहाँ पे चार पांच आदमी है वहाँ पे चार पांच फैमिली है वहाँ पे पहले की गर्म लगे वो लोग कैसे कर रहे हैं अभी वो लोग आने का वास्ते सोच रहा उन लोग भी आ जाता है यहाँ पे लोग कभी कभी फोन करने का मतलब करते हैं नेट का मोबाइल नहीं है कुछ नहीं होगा बाद में आगे तो मोबाइल नहीं है इन लोगों का छोटा बच्चा भी मोबाइल है वहाँ पे तो नहीं है वो हजारों का एक होता ऐसे हजारों तो एक तो होता मोबाइल इन लोग 20 रुपये 50 रुपये फोन करता वहाँ यहाँ पे 50 रुपये वहाँ पे 500 रुपये होता अच्छा यहाँ पे 100 रुपये वहाँ पे 1000 रुपये यहाँ से पैसा बड़ा है इसीलिए